तो हाय फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इधर खंडगिरी पे, मतलब खंडगिरी स्क्वायर पे। तो आगे ऊपर भी NH, तो अपने साथ आ गए हैं आज रायसेन मुर्मू। इसका भी यूट्यूब चैनल है, इनका चैनल में भी ये डलेगा। तो गाइस, ऐसा कुछ हमारा इरादा नहीं था बनाने के लिए वीडियो, लेकिन कल मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, तो मतलब कोई भी बंदा अभी तक हमारा जो खंडगिरी मेला का अभी तक यूट्यूब पे पोस्ट नहीं किया। तो हम दोनों सोचे कि भाई ये भी एक कंटेंट हो सकता है। तो गाइस, मेरे पीछे ये रहा खंडगिरी, ये आप पीछे देख सकते हैं ऊपर, और ये रहा उदयगिरी। तो चलो चलते हैं। मैं श्योर हूँ कि आप 50% तो इधर से ही मतलब भुवनेश्वर का नज़ारा देख सकते हो। पीछे देखो, तो अगर आप इधर आओगे तो भुवनेश्वर को घूमने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, इधर से आप सब कुछ देख सकते हो। तो यू गाइस डेफिनेटली एंजॉय दिस व्यू। देखो पीछे क्या है, उदयगिरी हिल्स। ये रहा अपना एयरपोर्ट, देखा आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट किधर है। ये जितना एरिया है आप देख रहे हो, तो पूरा एयरपोर्ट एयरपोर्ट। तो गाइस, स्टोरी बिहाइंड दिस मेला आवाज, तो एक संभासुर करके एक राक्षस हुआ करते थे जिसको हम डेमन बोलते हैं, तो उनका कुछ मतलब शायद डिजीज हुआ करता था तभी का टाइम में, उसको स्किन कैंसर भी बोल सकते हो। सूर्य को तपस्या किए, तो सूर्यदेव जो है अपना, तो तपस्या करने के बाद उनको सूर्य बोले कि मतलब साफ दिए कि आप अगर जाके चंद्रभागा पे नहाओगे और इधर आके तप करोगे, मतलब ये पहाड़ के ऊपर, तो आपका वो जो मतलब जो डिजीज़ है वो पूरा गायब हो जाएगा। तो उसी से ये मेला पूरा अरेंज हुआ है। तो तभी अपना जो संभासुर है, तो संभासुर जाके चंद्रभागा जो कोणार्क के पास है, कोणार्क टेम्पल के पास, तो उधर जाके नहाए और नहा के इधर आके वो तपस्या किए। तो स्टोरी यही बोलता है। और अभी देख रहे थे ये गुम्फा, मतलब जो गुम्फा है, तो ये कैब नंबर 2 है शायद, तो 2 के अंदर आओ, देखते हैं क्या। तो बहुत अच्छा है। तो अंदर आप देख सकते हो कि मतलब हिंदू धर्म का जितना भी गॉडेस है, गॉड है, और इधर उनका मतलब पूरा आर्किटेक्चर पूरा ये गया है। तो आप देख सकते हो ये 2400 साल पुराना होने के बाद भी अभी भी मतलब जैसा बनाए थे अभी तक वैसा है। और लिखा हो थोड़ा देखो जैसे। तो गाइस, ये अपना पीछे रहा उदयगिरी, बार बार बोल रहा है इसलिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप आके डेफिनेटली चेक कर सकते हो। अगर ओडिशा आते हो तो इसको अगर ना देखे चले जाते हो तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि आपका वेस्ट है आना ओडिशा। तो ओडिशा में अगर आते हो तो ज़रूर से इसको एक्सप्लोर करके जाना, और बहुत ही खूबसूरत मतलब जगह है ये। आप आओ। अगर हम इसका मेन अट्रैक्शन बोलेंगे आपको कि मेन अट्रैक्शन क्या है ये खंडगिरी मेला का,
तो मेन अट्रैक्शन ये है, इधर एक मतलब जात्रा का आयोजन होता है जिसको ऑर्केस्टर बोलते हो, लेकिन अभी तो कोविड के वजह से कुछ भी ऑर्केस्टर वगैरह सब बंद हो गया और जितना भी क्राउड थे बहुत सारे कम हो गए इधर से। तो इधर का मेन अट्रैक्शन वही है मेला का। और भी मतलब बहुत दूर तक इधर मतलब जो दुकान वगैरह था, लेकिन अभी तो हम कुछ भी देखने को नहीं पाए। हम पहली बार आए हैं तो हम सोच के रखे थे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल आप भी देख सकते हो कि इतना सुना सुना लग रहा है। लेकिन डेफिनेटली आप इधर आओगे जब, तो मैं जानता हूँ नेक्स्ट साल ये बहुत तो अच्छा बेसिकली होगा। ये सेकेंड सेंचुरी से हो गया था, बहुत सारे लोग का मानना है कि ये फर्स्ट सेंचुरी में हो गया था, लेकिन अगर गूगल को हम जाए तो ये सेकेंड सेंचुरी से ही हो गया था। भाई खाराबेड़ा अपना जो कलिंग का राजा थे तभी, और वो हैंड ओवर कर दिए थे हमारा मोक्स, आपको बताया जैन धर्म का तभी कम्युनिटी जो था। तो उसके बाद तो ये भी बेसिकली एक कुंभ मेला टाइप का है इधर, जो खंडगिरी मेला होता है। तो लेकिन वो कुंभ मेला होता है नदी के किनारे और ये होता है पहाड़ के ऊपर, तो इतना ही जस्ट डिफरेंस है। और इधर बहुत सारे मतलब दूर दूर से मॉन्क आते हैं, इंडिया के बहुत कोने से, जैसे कि कश्मीर हो गया अपना, और अपना हो गया यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, और बहुत सारे दूर से दूर आते हैं, हमारे उड़ीसा से भी आए हैं, पुरी वगैरह से। तो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही मतलब वो। बाबा जी शायद मतलब जितना भी इधर साधु मॉन्क्स हैं शायद बिजी हैं थोड़ा अभी, इसलिए उनसे बातचीत भी हम नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको सिनेमेटिक अच्छा लगा होगा। नमस्कार। तो गाइज अभी वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, तो बहुत सारे एक्सप्लोर कर लिए और आपको सिनेमेटिक भी अच्छा लगा होगा, तो इसी बात पे वीडियो को करते हैं एंड। अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो भाई, और चलते हैं और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हार्ट, स्टे सेफ।